मैं आपको बता दूं, ये बच्चे मुझे भी नहीं जानते सच्चे से कि गुरुजी करेंगे क्या, भागवत बांटेंगे, प्रवचन करेंगे, कथा कहेंगे कि दरबार चलाएंगे, इनको भी सच्चे से पता नहीं है, पांडे को भी पता नहीं था, लेकिन बाहर ही बाहर बच्चे लोगों ने सोचा कि जैसे हम अभी तक कार्यक्रम करते आए उसे ही गुरुजी होंगे। लेकिन क्या थी, इन्हें यह पता नहीं था कि मास्टर चेंज हो गया है। हम नकल नहीं कराते, हम पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद वो बना के निकालते हैं, लोग पूछते हैं किसके शिष्य हो, तब आप लोग कहते हैं मैं पंडों का सगा के शिष्य हूं, तो कलम नहीं चलती दूसरे की। एक बार पंडों का सगा का दरबार देखने के बाद, एक बार नंबर आने के बाद पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाना, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। बस दरबार नहीं देखा तो अलग बात है। कई लोग कहते हैं कि पंडों का सगा क्या भगवान है, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, भगवान इस दुनिया में मात्र एक ही है जिसके अंदर सद्भाव का विषय है, वो है भगवान। हमारे पास सद्भाव का विषय तो है, लेकिन मेरे माता पिता की कृपा से मुझे गद्दी तो मिल गई है, बस जिनका कल्याण हो जाता भला हो जाता उनके लिए कुछ भी हूं, और जिनका काम नहीं होता उनके लिए कुछ भी नहीं। जिनका नंबर नहीं आता हो सकता है महाराज जी की सेटिंग हो गई, महाराज जी ने बुलाया यहां 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 यहां, हमको क्यों नहीं बुलाया, हमें बुलाते तो पता लगता है महाराज जी भगवान है कि नहीं। सच्चाई, मैं भगवान नहीं हूं, ना मैं कोई अवतारी हूं, ना मैं बहुत बड़ा कोई योगी हूं, ना मैं संत हूं, संत तो हमारे सामने ही लोग बैठे हैं। ये कई जन्मों के भाग प्रकट होते हैं, तब एक पुंज बनता है, और जब ये पुंज बनता है तो एक संत बनता है, लोग मुझे संतों के नाम से जानते हैं। मैं तो संतों का अनुयायी हूं, मैं तो संतों के चरणों का सेवक हूं, हम तो मंदिर दीवालों के चरणों के की सेवा करने वाले हैं, वहां पूजा आरती करने वाले हैं, वहां स्तुति करने वाले हैं, वेद पाठ करने वाले हैं, भगवान को रिझाने का काम करते हैं, और भगवान की कृपा हो गई है इसलिए यहां पर बैठे हैं। शेष बात फलती है नहीं फलती है इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं इतना कह सकता हूं कि आपका विषय जो भी मन में है, आपके दिल में जो भी प्रश्न है, आपकी जो भी अमुक व्याधि है, उस व्याधि के विषय में ज्ञात करा सकता हूं, उसके लिए उपचार बता सकता हूं, उसी तरीके से जैसे एक जीपीएस आपको अमुक स्थान का जब डिटेल आप मांगते हैं तो इशारा कर देता कि यहां से इतने किलोमीटर दूरी पर आपकी मंजिल स्थित है।